ਅਰਜ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਫਰੀਦਾਬਾਦ। हाँ जी, तो शहर का हालचाल मैं आपको बताती हूँ और शहर के हालचाल में बहुत सारी बातें मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत सारी बातें और भी शेयर करूंगी क्या चल रहा है खास आपके आसपास, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि मैं किसी ऐसे से मुलाकात कराने वाली हूँ आपकी जिन्होंने इस सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव में तो जो सिचुएशन थी पिछले साल वहां पर तो बहुत सारा काम किया ही था, लेकिन इस वेव में जिस व्यक्ति ने बाहर निकलकर घर से काम किया है, लोगों की मदद की है निस्वार्थ भाव से, सेल्फलेसली, उनको वाकई सलाम है। क्योंकि बहुत मुश्किल था इस वेव में बाहर निकलना, मतलब जो वायरस हवा में घूम रहा है उसके साथ साथ डटकर मुकाबला करना और जरूरतमंदों की मदद करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं प्रवेश मलिक जी, जो कि मिशन जागृति के संस्थापक हैं, जिन्होंने मिशन जागृति नाम की एक संस्था शुरू की और ये जो संस्था है ये बहुत सारे काम कर रही है, पिछले लगभग 14 सालों से काम कर रही है और बहुत अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही है। चाहे आप ब्लड डोनेशन की बात कर लीजिए, चाहे आप एरियाज को सैनिटाइज कराने की बात कर लीजिए, या फिर आप एजुकेशन की बात कर लीजिए, बच्चों के लिए किताबें अरेंज करना, उनके लिए पढ़ाई कैसे होगी, उनके लिए स्कूल्स में फैसिलिटीज अरेंज करना, या फिर कुछ ऐसे छोटे छोटे स्कूल्स बनाना, बच्चों के लिए क्लासेस अरेंज करना कि जरूरतमंद बच्चे जो है वो शिक्षा ग्रहण कर सके। लेकिन ये सारी बातें जो है ये आपको मैं नहीं बताऊंगी, ये हम मिशन जागृति के जो संस्थापक हैं प्रवेश मलिक जी, उन्हीं से ही बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग दीक्षा जी। गुड मॉर्निंग प्रवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में। थैंक यू और आपको धन्यवाद करते हैं कि पूरे फरीदाबाद को इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट एक साथ व्हाट्सएप फरीदाबाद के जरिए देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो प्रवेश जी, बहुत सारी बातें हम अपने जो लिस्टनर्स हैं उनको बता रहे थे बहुत देर से कि एक ऐसी संस्था है जो बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन अभी आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो मैं ही आपसे डिटेल में जानना चाहूंगी कि फर्स्ट वेव जो कोविड की थी उस टाइम तो आपने बहुत सारा काम किया ही था और ये काफी चर्चा में भी रहा था, लेकिन सेकेंड वेव में काम करना अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज रहा है, तो क्या क्या आपने इस सेकेंड वेव के दौरान काम किया जो अभी भी आप कर रहे हैं? दीक्षा जी, जो सेकेंड वेव में जो सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग था वो था कि जो इंसानियत थी, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो शुरुआत में जब वो करीब 25 दिन थे जब चारों तरफ हाहाकार मच गई और ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे, उस वक्त वो बड़ा चैलेंजिंग था। तो उस वक्त हमारे पास एक फोन आया, सबसे पहला फोन था यही सैनिक कॉलोनी के पास से, रात को करीब 11 बजे एक बेटी का फोन आया, उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पापा की डेथ हो गई है, कोई उठाने वाला नहीं है, हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि ले जाओ। हमारे वॉलंटियर गए और उसका अंतिम संस्कार उसकी बेटी के से ही करवाया और उसके साथ साथ फिर हमने ऐसे लगभग 7-8 शरीरों का अंतिम संस्कार कराया जिनको घर वाले भी थे या जिनके नहीं थे, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जी जी बिल्कुल, यानी मतलब अपने थे साथ में लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अरेंजमेंट्स नहीं थे, उनकी लास्ट राइट्स जो होते हैं जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुली नॉर्मल माहौल में किए जाते हैं, वहां कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं होता आजकल के टाइम में। जी, और इसके साथ साथ फिर हमने जैसा आपने बताया कि इस वक्त लोगों के पास जॉब नहीं है, नौकरियां छूट रही हैं या पैसे नहीं है या जमा पूंजी ही खर्च कर रहे हैं, फिर हमने जो एक बुक बैंक हमारा चल रहा है उसमें लगभग 170 बच्चों को हमारे माध्यम से उन बच्चों को किताबें मुहैया करवाई गई। इस बुक बैंक में फरीदाबाद और आसपास के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर किताबें दान देते हैं और यहाँ से जरूरतमंद बच्चे यहाँ से किताबें ले जाते हैं। जी जी, यानी बच्चों की बुक्स जो हैं वो आप बुक बैंक में दान करवाते हैं, जो भी जिनके पास भी एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं और जिनको जरूरत है वो यहाँ से ले जा सकते हैं इजी। और इसके साथ अभी एक महिला थी जिसके करीब सिर्फ 20 दिन के अंदर उसके सास ससुर, उसका हस्बैंड और उनके देवर, जिस देवर की अभी 10 दिन पहले शादी थी और वो प्रेग्नेंट थी, उसका कोई लेने वाला नहीं था, हमारी वॉलंटियर को पता चला तो पूरी टीम ने उसको सहयोग किया, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और उसको अभी कल ही बेटा हुआ है, अब उसको घर छुड़वा दिया गया है। और ये सारा सहयोग मैं आपको बताना चाहूँ कि मिशन जागृति की वॉलंटियर तो कर ही रहे हैं पर जिसको भी हमने कहा सभी ने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से सहयोग किया है। जी जी, यानी मिशन जागृति के अलावा भी आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ के चल रहे हैं जो हेल्प कर रहे हैं इसमें। जी, इसमें जैसे डॉक्टर अर्पित जैन है फरीदाबाद से और भी बहुत सारे हैं, तो सभी लोग हर तरीके से हमारी इसमें मदद करते ही रहते हैं। इसके अलावा दीक्षा जी, अगर मैं बताऊं तो हम
जो भी जरूरतमंद व्यक्ति होता है हमें फोन करता है और अगर उसको राशन की दिक्कत होती है जी। तो पहले भी हमने एक अपनी रसोई चलाई थी जिसका नाम ही हमने अपनी रसोई रखा था जी जी। तो इस बार भी हम इस तरीके से काम कर रहे हैं कि हमारे पास फोन आते हैं और हम उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि वास्तव में इसको जरूरत है, उसके आस पड़ोस के लोग बताते हैं तो उसके घर पर सूखा राशन पहुंचा दिया जाता है जी। यानी इस टाइम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम पे नहीं जा पा रहे हैं और लॉकडाउन की स्थिति भी है, इसके साथ साथ बहुत सारे रेड़ी वाले होते हैं, पटरी वाले होते हैं जिनके घर एक्चुअली में डेली कमाने पर खाना आता है, तो उनकी भी आप मदद कर रहे हैं जी। और दीक्षा जी एक और है, हमने अभी कल ही शुरुआत करी है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जी। इसमें हमारे एक साथी हैं, जिलाध्यक्ष हैं विवेक गौतम, उनके भाई हैं, यूएसए में रहते हैं, तो उन्होंने जैसे ही देखा कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्होंने 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वहां से भिजवाए और फिर हमने इसके 2 हेल्पलाइन नंबर शेयर किए लोगों को और कल ही 2 हमने भेजे हैं और अभी सुबह सुबह मुझे पता चला कि एक और बंदे को जरूरत है तो उसको भी अभी हमारे वॉलेंटियर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज रहे हैं जी। यानी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते उनको भी आप ये मुहैया करा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे रहे हैं पिछले समय में, पिछले कुछ दिनों लगभग 10 से 15 दिन पहले, जिनकी वाकई जो जिंदगी थी वो दाव पर लगी और कुछ ने अपनी जिंदगी गवा भी दी इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से, जिनकी आप इस प्रॉब्लम को भी फिलहाल सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो है वो खरीद नहीं सकते, तो उनको आप प्रोवाइड करा रहे हैं जी। जी तो प्रवेश जी बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं आप और मिशन जागृति बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किसी को अगर राशन की जरूरत है या नौकरी की जरूरत है और कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकता है? इसमें हमारा अलग अलग, जैसे बुक बैंक के लिए हमने एक अलग नंबर है, वो नंबर है 9250161732। ऑक्सीजन के लिए हमारा नंबर है 8527279222 और मेरा अपना नंबर 9555288288। 24x7 कभी भी किसी को भी किसी भी तरह की जरूरत होगी तो हमारी पूरी टीम उसके लिए हमेशा तैयार रहती है जी। बिल्कुल, यानी किसी को बुक्स की जरूरत है, कोई बच्चा पढ़ रहा है उसके पास किताबें नहीं है तो बुक बैंक के लिए आप मिशन जागृति से संपर्क कर सकते हैं। किसी को राशन की जरूरत है, घर में खाना नहीं है और आज की परिस्थिति में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, नौकरी नहीं है, तो भी आप मिशन जागृति को संपर्क कर सकते हैं। प्रवेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन बांटने के लिए और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उम्मीद है आगे भी ऐसे ही करते रहें और कुछ बेहतर करने की कोशिश जो आप कर रहे हैं वो जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू दीक्षा जी। और चलते चलते सिर्फ 2 लाइनें, हमारे पूरे जो वॉलंटियर हैं सब लोग जो सोचते हैं कि जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें, बहुत बहुत बिल्कुल वाकई, और तालियां बजती रहेंगी पर्दा उठने के साथ भी और पर्दा गिरने के साथ भी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश जी बात करने के लिए। थैंक यू। तो देखा आपने इस मुश्किल वक्त में जो घर से बाहर निकलकर काम कर रहा है वाकई वो बहुत बड़ा एक जांबाज है और उसकी जो टीम काम कर रही है वो भी बहुत काबिले तारीफ है। तो ऐसे मिशन जागृति काम कर रही है, आपको राशन की जरूरत है, आपके पास नौकरी नहीं है, किताबों की जरूरत है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आज के समय की उनको सॉल्व करने के लिए मिशन जागृति बहुत सारे काम कर रही है, अलग अलग प्रोजेक्ट चला रही है जिसके बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी है। लेकिन अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो टाइम है वो है एक छोटे से म्यूजिकल